टिहरी जिला में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में व्यापारियों के साथ मितोली सभागार में बैठक संपन्न हुई, जिसमें लॉकडाउन के चलते लखीमपुर खीरी जिला ग्रीन जोन आने पर लॉकडाउन संबंधित अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश, कोरोना वायरस को देखते हुए व्यापारी लोगों को दुकान खोलने में बंद करने के लिए सही समय पर जारी होंगे निर्देश। मितोली कोतवाली प्रभारी अनिल कुमार सैनी ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए अपील भी किया। इस बैठक में पुलिस प्रशासन से जेपी यादव सहित तमाम व्यापार मंडल के कर्मचारी मौजूद रहे। इसकी अपनी प्रकृति बदलता जा रहा है। अब क्या है, अब सिम्टम बताते हैं डॉक्टर जो चेक करते हैं, ये उसमें सिम्टम ये दे सकता है, शरीर में बदन में दर्द हो रहा है। और सभी लोग भाई अपने से दूरी बना के रखनी है, दूरी बनाने के मतलब लोग आपस में एकदम रह गए कपड़े से हो गई तो फिर दूरी बनानी पड़ेगा। और क्या सर आपका नाम? जितेंद्र सिंह भुगता, व्यापार मंडल अध्यक्ष जी। जो बैठक हुई इस पे आप क्या निर्देश दिए गए हैं? बैठक में निर्देश ये दिए गए हैं कि हम सभी दुकानदार भाइयों को मास्क लगाना बहुत जरूरी है, सैनिटाइज की व्यवस्था बना के रखनी है, डिस्टेंसिंग की दूरी वो बना के रखनी है, कस्टमर को मतलब कस्टमर की दूरी बना करके ही व्यापार करना है। और कोरोना जो ये महामारी चल रही है इसकी रोकथाम की व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा करके हम लोग अपने बिजनेस को का संचालन करेंगे। हम लोगों को यही निर्देश दिया गया है और समयबद्ध तरीके से जो है हम लोग अपना व्यापार चलाएंगे। सर आपका नाम? हमें गुप्ता, व्यापार मंडल दक्षिणी। जो आज बैठक हुई है सभागार कक्ष में, किस उद्देश्य से बैठक की गई और क्या निर्देश दिए गए? आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है क्योंकि हमारा लखीमपुर जिला है जो ग्रीन जोन हो गया है। बहुत अच्छी बात है कि हमारा ग्रीन जोन हो गया। कई जिले ऐसे हैं जो रेड जोन में है, कुछ ऑरेंज जोन में है, पर हमारा लखीमपुर खीरी जो है ग्रीन जोन में हो गया। सरकार का निर्देश है यदि बहुत अच्छा रहा तो हम लोगों को थोड़ा बहुत सहूलियत मिल जाएगी, दुकानें खोलने का मौका मिल जाएगा। जो छोटे व्यापारी हैं उनको बहुत सारी सहूलियत मिल जाएगी और जो 40 दिन से लगातार बंद है उनको कुछ उनका छोटा सा व्यापार चलना शुरू हो जाएगा। कब से दुकान खोलने का आश्वासन दिया? 4 तारीख से उम्मीद है, 3 तारीख के बाद नया आदेश गाइडलाइन।